और अगर पार्टी ने चाहा, अगर पार्टी ने चाहा आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कमल का फूल हम सब खिलाएंगे हम। जाओ, थैंक यू। तेरे हर अंबाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है। अंबाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती है। और यहाँ की जो रीबल कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसका फादर कांग्रेस के टिकट से अंबाला शहर से लड़ रहा, उसने यहाँ एक पत्रकार वार्ता की थी। उसके एक तरफ नकली देसी घी बेचने का किंग बैठा हुआ था, दूसरी तरफ जिसके होटल से बड़ी संख्या में वैश्यवृत्ति के पुलिस ने केस पकड़े और अनेक लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अंबाला की जनता इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अंबाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोर लगाना। सर, मुख्यमंत्री देसी घी, और एक तरफ जिसके होटल से वेश्याएं पकड़ी गई बहुत बड़ी संख्या में, वो बैठा हुआ था। ऐसे तत्वों को अंबाला के लोग बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे किसी भी हालत में। और वही लोग जरा उछल कूद कर रहे हैं जो उन होटलों में जाते थे, लिस्टे हैं मेरे पास सबके। तो विश्व क्या माना जाए कि लकी सेवन होने वाला और भाजपा हो चुका है? होने वाला क्या, रिजल्ट तो निकल चुका, जनता तो नाच रही है, जाके देखो बूथों के ऊपर। विश्व क्या आप मुख्यमंत्री का आपने दावा किया है क्या इसके बाद? नहीं नहीं, मैंने दावा देखो कभी नहीं किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था, और उससे 5 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी मैं विधायक दल का नेता था, और मैंने 5 साल कांग्रेस के नाक में दम करके रखा, मैं ही लड़ा, लड़ाई सारी आपने देखी है, आप विधानसभा कवर करते हो, मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब मुख्यमंत्री बदला मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन सारे हरियाणा में एक बात चली कि जब मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया तो लोगों ने कहा भाई अनिल विज क्यों नहीं, अनिल विज क्यों नहीं। मुझे बहुत लोग मिले मेरे हलके के भी, प्रदेश के भी, तो कुछ सियाने लोगों ने उनको कहा कि नहीं नहीं अनिल विज में को हम तो बनाना चाहते हैं, पर वो खुद ही बनना नहीं चाहता। मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने पार्टी के आज तक किसी आदेश को इनकार नहीं किया, अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दूंगा, और अगर पार्टी ने चाहा, अगर पार्टी ने चाहा आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कमल का फूल हम सब खिलाएंगे हम। जाओ, थैंक यू। तेरे हर अंबाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है। अंबाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती है। और यहाँ की जो रीबल कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसका फादर कांग्रेस के टिकट से अंबाला शहर से लड़ रहा, उसने यहाँ एक पत्रकार वार्ता की थी। उसके एक तरफ नकली देसी घी बेचने का किंग बैठा हुआ था, दूसरी तरफ जिसके होटल से बड़ी संख्या में वैश्यवृत्ति के पुलिस ने केस पकड़े और अनेक लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अंबाला की जनता इन
लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अम्बाला की जनता शांति चाहती है, और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोर लगाना। सर मुख्यमंत्री